कांग्रेस कॉन्टेस्टेड एमपी हैदराबाद जना फेरोज खान साहब की इस लॉकडाउन में सैनिटाइजर स्प्रे मुहिम के दौरान आज नीलोफर हॉस्पिटल में अफसोसनाक वाकया देखने पर उन्होंने शदीद मजम्मत की। नीलोफर हॉस्पिटल जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में अपना एक खास मुकाम रखता है, जहां अभी तक करोड़ों मरीज अपना इलाज करके सेहतियाब हो चुके हैं, आज वही हॉस्पिटल एक कूड़ादान में तब्दील हो चुका है। अब तो हाल ये है कि जहां इस हॉस्पिटल में लोग शिफा व अजीला कामिला पाते थे, आज वही हॉस्पिटल बीमारियां फैलाने वाला मरकज बन चुका है। हर तरफ गंदगी साफ नजर आ रही है। आखिर इंतजामिया इस सिलसिले में अपनी आंखें बंद किए क्यों बैठा है, और हुकूमत तेलंगाना के वजीर सेहत व वजीर आला को चाहिए कि ऐसी इंतजामिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जो ऐसे कोरोना वायरस के खतरनाक माहौल में हॉस्पिटल में गंदगी फैलाकर इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कोरोना वायरस के खतरनाक माहौल में नीलोफर हॉस्पिटल की खस्ता हाली का शर्मनाक मंजर। ये है हमारा नीलोफर हॉस्पिटल। आज हुकूमत बड़े बड़े बातें करती, केसीआर के डी हमारा बड़े बड़े बातें करते, सफाई कहां पे, कोरोना वायरस है, पूरे बीमारियां यहां से जा रही। अरे पूरे दुनिया का सबसे मशहूर हॉस्पिटल है नीलोफर का हाल देखो आप। अरे गार्बेज जागो, केसीआर केडीआर तो खाली बड़े बड़े बातें करता, आके हालत देखो, हर जगह ये जिलाजत है। कहां से खत्म होता साहब कोरोना वायरस, अब आने वाला जून का महीना है, जून के महीने में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, वायरल फीवर, इसमें कोरोना वायरस हावी होता। अरे गरीबों को कोई पलट के पूछ रहा नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना आप लोग, क्या है हालत। हमारे नीलोफर दवाखाने की पूरा कचरा और हमारे लोग बेबस है, ये हमारे नीलोफर हॉस्पिटल की हालत।